हाँ बच्चों, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखो किस तरीके से याद करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, नहीं तो फिर फटाफट देखिए। सबसे पहले ग्रुप नंबर वन, जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मतलब ग्रुप है आपका एस ब्लॉक का, तो वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इनके एक्चुअल नेम है। ठीक है, वापस रिपीट करना, रिवाइंड करके एक बार ढंग से सुनना और समझना इनको। उसके बाद यहाँ से ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो इनको याद करने के लिए। तो क्या है, ह लीना, ह मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम के लिए यहाँ पे, ना सोडियम के लिए, की मतलब पोटेशियम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रब से फरियाद, रब किस लिए, रुबीडियम के लिए, से सीजियम के लिए, और फरियाद यहाँ पे फ्रांसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आप इस ट्रिक से इनके एक्चुअल नेम जरूर ध्यान रखें, सिंबल भी ध्यान रखें। ठीक है, नहीं तो ऐसा पता लगे कि आपसे पूछा गया कि सोडियम, आप बोले ना, तो ना नहीं, सोडियम ही नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे फरियाद, तो फरियाद कुछ नहीं है, वो एक ट्रिक है जस्ट, यहां पे आपका फ्रांसियम क्या रहेगा, फ्रांसियम। ग्रुप नंबर टू की अगर बात करें तो क्या है ट्रिक, बेटा मतलब बेरिलियम, अगर मैं पहले आपको यहां पे इनके असली नाम बताऊं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, क्या स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, इन दोनों में फर्क होगा, बेरिलियम और बैरियम। ठीक, और ये आपका रेडियम, क्या है, रेडियम। तो इनको याद करने की ट्रिक देखिए क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, जनरली अगर बेटा आजकल स्कूटर नहीं मांगता तो सेंट्रो वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा मांगे कार सेंट्रो या स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, आजकल राजी कर लिया जाता है बाप को, बहुत कॉमन है। ठीक है, आप लोग खाना छोड़ देंगे उसके बाद बोलना बंद कर देंगे तो बाप राजी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये ट्रिक है कहीं ना कहीं एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की, ज्यादातर हम लोगों को पता है। अब फटाफट चलिए ताकि पी ब्लॉक खत्म करते डी और एफ के लिए चलें, मजा तो डी और एफ में आने वाला है। आइए फटाफट आइए। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ फटाफट पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। छह ग्रुप हैं, मैंने लिखे हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं, ताजे ताजे पढ़ना है सिर्फ। देखो ग्रुप नंबर 13 बैगन, भाई बैगन के लिए क्या, पहले एक्चुअल नाम तो पढ़ लो, बैगन तो बाद में आएगा ना। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, क्या इंडियम, थैलियम, इनके सही नाम पहले याद होने चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये मार्केट में नए हैं सारे के सारे, इनकी जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। ठीक है, ट्रिक में भी अभी इंक्लूड नहीं हुए, प्रॉपर्टीज में भी आधी आई हैं आधी नहीं आई हैं, तो कुछ खास इनके बारे में भी जानकारी नहीं है, बट इनका सिंबल लिखा हुआ, नाम भी मैंने लिख दिया है। सो निहोनियम, क्या बोलते हैं, निहोनियम, ट्रिक में यही तक लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या बैगन, इसके लिए बोरॉन के लिए आलू, गाजर, जीए के लिए, इंडियम के लिए इन, और थैला के लिए टी एल, मतलब थैला के लिए क्या है, थैलियम। कनेक्ट कर लेंगे, रिपीट करना, दो तीन बार रिपीट करोगे घर में अपने आप याद हो जाएगा। अगला देख ग्रुप नंबर 14 के लिए देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या है ये, जर्मेनियम, ये टिन, असली नाम तो भाई लैटिन लैंग्वेज में कुछ और होता है, स्टेनेस, लेकिन यहाँ सिंबल के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, तो टिन। ठीक है, ये मतलब नाम तो टिन है बट सिंबल के अकॉर्डिंग देखो रिलेट किया हुआ है। और ये क्या है, लेड, क्या है, लेड। लास्ट में देखो तो भाई ये भी नया है, तो क्या नाम लिखा है, फ्लोरोवियम, क्या है, फ्लोरोवियम। तो कहें शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, सभी कनेक्ट करेंगे, देखो कहें शिव जी सुनो पार्वती, फिर बुला रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, सुनिए। ठीक है, तो अब देखिए ग्रुप नंबर 15, तो 15 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, एसबी क्या है यहां पे, एंटीमनी। नेक्स्ट बिस्मथ, क्या है, बिस्मथ, और ये आपका एमसी नया है तो मॉस्कोवियम, ठीक है, मॉस्कोवियम। यहां पे ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, बीमारी का टाइम चल रहा है भाई, बीमार हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीमार हो गए दवाई ले लेंगे। अच्छा ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्या है, टेल्यूरियम, और ये आपका पोलेनियम। लास्ट में आपका एलवी, एलवी क्या है, लिवर मोरियम, यहाँ पे क्या है, लिवर मोरियम, ये एम ओ, लिवर मोरियम। ठीक है, तो देख लीजिए ट्रिक क्या, ओए सर से टेपो, सर ने लिख दिया आप लिख लो, टेप लो, ठीक है, ओए सर से टेपो। ठीक है, सो इसके बाद देखिए ग्रुप 17, फिर मतलब फिर क्यों आ गया, पहले नॉर्मल नेम इनके असली नाम, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, क्या एस्टेटिन, लास्ट में टीएस, नाम क्या है, टेनेसिन, क्या है, टेनेसिन, खतरनाक नाम है,
ठीक है, वैसे खास याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखे थे तो आपको बता रहा हूँ, टेनेसिन, ठीक। और ट्रिक देख लें, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, तो भाई आई होंगी, काम से आई होंगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब ग्रुप नंबर 18, तो ग्रुप नंबर 18 के लिए देखो, हीना मतलब हीलियम के लिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, क्या है, रेडॉन। और लास्ट आपका है ऑग्नेशन, क्या है, ऑग्नेशन, जरूरत नहीं पड़ेगी रेडॉन तक ही याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑग्नेशन। तो इसके लिए देखो ट्रिक क्या है, हीना, नीना और आर्गन के लिए, और करीना के, वो के जो है वो हमने कनेक्ट करने के लिए लाइन थोड़ा अच्छी लगे इसलिए लिख दिया, करीना के, क्रिप्टन के लिए, एक्सरे, रंगीन, और लास्ट में ओए लिख दिया, इसका मतलब हीना, नीना और करीना के एक्सरे कैसे हैं, रंगीन है ओए, तो रंगीन है, ठीक है। फटाफट नोट कर लें और फिर आगे चलते हैं डी और एफ ब्लॉक के लिए। तैयार सब लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट करें। भाई चार सीरीज में डिवाइडेड हैं, चारों सीरीज के नाम देखो क्या है, 3D, 4D, 5D और 6D। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है उन्हें 3D सीरीज के नाम से जानते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है वो 4D, अदरवाइज 5D और लास्ट क्या है 6D। जो लास्ट वाला है भाई, ये सारे नए एलिमेंट्स हैं जो नए नए ताजे ताजे डिस्कवर्ड हुए, ठीक है, इनको हमें ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ना नहीं है, तो इसकी ट्रिक नहीं लिखी गई है, ये मोस्ट कॉमन है, और इन सब में सबसे ज़्यादा आपको 3D सीरीज आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान करते हैं, मतलब समझते हैं किस तरीके से होगा, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट में क्या है, जिंक। ट्रिक क्या है देख सकते हैं आप लोग, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, ठीक है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, ठीक है, लगातार देखा आपने कितनी सेंचुरी बनाते हैं, तो वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा, ठीक। तो अपने टाइम में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा सेंचुरी जमाई है भाई, तो उस दौरान किसी और ने इतनी सेंचुरी नहीं जमाई थी। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो डिफिकल्ट टास्क है बट नामुमकिन नहीं है, होगा जरूर। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा। तो आप हर एक सिंबल को ध्यान से देखकर इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर 4D सीरीज की बात करें तो आजकल ये दोस्ती पे जो है, दोस्ती के लिए लिखी गई है, तो जरा देखो ये वाई से है आपका इट्रियम, इनके सही नाम पहले पढ़ते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ये जी क्या है, सिल्वर और कैडमियम। अब ट्रिक देखो क्या है, यारी जरा निभाना, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, भाई मरते दम तक निभानी चाहिए, रुकावट राह में पड़े, कोई अड़चन अगर आए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, रुकावट, रुकावट राह में, ये इकट्ठा में हमने अपनी तरफ से लगा दिया, राह में पड़े तो, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, रुकावट, रुकावट राह में पड़े तो, पड़े तो क्या करना है, अरे दोस्ती मत तोड़ो, आग में कूद जा, कहां कूद जा, आग में कूद जा, असली में नहीं कूदना, सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेंथेनम, क्या है ये, लेंथेनम, हॉफनियम, क्या है ये, हॉफनियम, टेंटेलम, क्या है, टेंटेलम, टंगस्टन, क्या बोलते हैं इसको, टंगस्टन, रीलियम, क्या, रीलियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है, पढ़ लिए ना, बिल्कुल। अब भाई वसूली से, वसूली मतलब पैसा, ठीक है, सो ला हफ्ता, जबरदस्ती हफ्ता मांग रहे हैं भाई, ला हफ्ता मतलब ला लेंथेनम, हफ, हफ के लिए हॉफनियम, हफ्ता इकट्ठा, ठीक है, हफ्ता टेंटेलम के लिए, तो ला हफ्ता वरना रे ओए, ला हफ्ता वरना रे ओए, इधर पिटाई और होगी, अगर नहीं दिया तो पिटाई हो जाएगी, हफ्ता वसूल कर रहे ना भाई, ठीक, तो अगर नहीं दिया तो पिटाई हो जाएगी। जबकि आखिरी सीरीज जो है आपकी, क्या है, आखिरी सीरीज, उसके नाम पढ़ लेते हैं लेकिन नॉर्मली जरूरत नहीं पढ़ने वाले, एक्टिनम, क्या है, एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, डबनियम, सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, ठीक है, मेटनियम, डर्मस्टेडियम, बहुत खतरनाक से नाम है, रोंटेजियम, कॉपर, नीशियम, ठीक है।
तो मोस्ट कॉमनली तीन तो याद कर ही लेना, ठीक। चलिए एफ ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तैयार बच्चों? बिल्कुल तैयार। इससे पहले हमने क्या क्या सीख लिया, अभी देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट सीखने वाले हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक कैसे नहीं याद करना है, आपने डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सीख लिया। सब्सक्राइब जरूर कर दें और लास्ट सीखें, फिर इस पे भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आपको चीजें इसके बाद मिलने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो देखिए लेंथेनॉइड सीरीज, दो टाइप की सीरीज थी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ये सभी एलिमेंट जो 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनम के बाद आते हैं। आपको पता ना डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि 57 जो एटॉमिक नंबर था उसके बाद के एलिमेंट हैं, इसलिए लेंथेनॉइड बोलते हैं। और सभी में 4f सबशेल फिल होती है या 4f ऑर्बिटल फिल होता है, इसलिए इनको 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। जबकि इनमें आपका क्या है 5f ऑर्बिटल भरता है। जबकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं, किसके बाद आता है एक्टिनम, जिसका नंबर 89 था, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सभी का नाम सिंपल और उसके बाद ये कुछ बढ़िया सी लाइन आपको याद करवाएगी। तो सबसे पहले फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो देखो सीरियम क्या है, सीरियम प्रासियोडाइमियम, नाम थोड़े अटपटे हैं, दो तीन बार जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा ठीक से आएगा। सीरियम प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, इरबियम, ईआर, थ्यूलियम, इटर्बियम और लास्ट है ल्यूटेशियम, ठीक है। तो ट्रिक देखिए फटाफट, तो भाई देखो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सीने पर, आहा अब थोड़ी सी प्रेम की बात हो जाए, सीने पर, सीने पर क्या नदियां भाई याद आती है, उबड़ खाबड़ बड़ा इमोशंस, ठीक है ठीक है। हाँ तो सीने पर सीरियम के लिए, पर प्रोसीडोमियम के लिए नदियां, सीने पर नदियां प्रेम के, ये एक साथ है कनेक्ट करने के लिए के लगाया हुआ, ठीक है। प्रोमीथियम के लिए मतलब प्रेम के समय, यूं ही यूरोपियम के लिए यूं ही गड़गड़ गड़गड़, गैडोलिनियम गड़गड़ गड़गड़, तब तब टर्बियम के लिए दिन हुआ और तुम यहां लौटे, तब दिन हुआ और तुम यहां लौटे, याद आ रही थी दिन हुआ फिर तुम यहां लौटे, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से हो गई, अच्छे से सीक्वेंस को दो तीन बार रिपीट कीजिए। अगला देखिए एक्टिनॉइड सीरीज में नेक्स्ट थोरियम क्या है, थोरियम प्रोटेक्टिनियम, प्रासियोडाइमियम था ये प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरोपियम, सॉरी यूरोपियम नहीं यूरेनियम, क्या है ये यूरेनियम, देन यूरेनियम, ये आपका नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कॉलिफोर्नियम, क्या है कॉलिफोर्निया वाला कॉलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम, ये इनके असली नाम हैं। अब ट्रिक देख लेते हैं, फिर से थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, प्रेम के समय वैसे ही आ जाओ। हाँ तो देखो थोरियम के लिए तुम पे यूं नजर पड़ी, आहा तुम पे यूं नजर पड़ी आसमां चमका, बादल आ गए, आसमान चमकने लगा, बिजली कड़कने लगी, तुम पे यूं नजर पड़ी, ठीक है। प्लूटोनियम के लिए पड़ी, ठीक है। आसमा अमेरिसियम के लिए आसमा चमका, क्यूरियम, ठीक है। आसमा चमका बिजली कड़की, बारिश का मौसम हो गया, बिजली कड़की और ऐसी फिजा, ऐसा मौसम, ऐसी फिजा में कमाल का नूर छाया, ठीक है। तो ऐसी फिजा में नूर छाया तो नहीं बोल सकते क्योंकि एल से है, तो नूर लाया, ठीक है। तो अच्छे से इन चीजों को पढ़िएगा, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और बढ़िया पढ़िएगा, ठीक।